हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग में। आज का ब्लॉग बहुत ही ज्यादा मजेदार होने वाला है और बहुत ही ज्यादा इंस्पायरिंग होने वाला है। तो मैं बात कर रही हूँ सौरभ जोशी व्लॉग्स। सौरभ जोशी जो कि इतना बड़ा नाम है व्लॉगर्स के बीच में, वो मतलब क्या पता है किस तरह से व्लॉगिंग वगैरह करते हैं, देखते ही बनता है। और उनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था 1999 में, उत्तराखंड में एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है कासवानी, वहाँ पर एक छोटा सा गाँव है, वहाँ पर सोचिए सौरभ जोशी का जन्म हुआ था। और एक गाँव में जन्म लेने के बाद भी छोटी उम्र में उन्होंने इतना सब कुछ कमाया है किसकी बदौलत, व्लॉग्स वगैरह कर करके। और व्लॉगिंग करने का उनका जो तरीका है वो तो देखते ही बनता है। आपको उनके ब्लॉग देख के कुछ ना कुछ ज़रूर सीखना चाहिए, क्योंकि वो खुद ब्लॉगिंग करते हैं और ब्लॉगिंग कर करके आज कहाँ वो ज़ीरो से वो इतने ऊपर आए हैं, जहाँ से मतलब हर किसी को जहाँ पे पहुँचना है और जहाँ पे पहुँचने का हर किसी का आज सपना है। किसी के बारे में जब सुनते हैं और समझते हैं कि उन्होंने कैसे क्या क्या किया, तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत चीज़ें आपके माइंड में रह जाती हैं, जिससे कि क्या है कि अगर कुछ भी चीज़ें आप अपने जीवन में वैसे करेंगे तो कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। उनके जो फादर है वो रोजगार ढूंढते रहते थे, उनका जो एक परमानेंट रोजगार नहीं था, कई बार उनको प्लास्टर ऑफ पेरिस का काम भी करना पड़ता था, इतनी ज़्यादा दिक्कतें थी। और जो सौरभ जोशी थे वो आते थे एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से, आज कहाँ पे जाके उसने अपना नाम बनाया है, किस चीज़ के बदौलत, एक प्रॉपर अपने नीश को पहचान के, ये व्लॉगिंग के बदौलत। थोड़े टाइम बाद उनके फादर को क्या हुआ, एक अच्छा बड़ा काम मिला और अच्छे खासे उसमें पैसे भी मिल रहे थे, तो उन्होंने क्या कहा वो उत्तराखंड से चले गए हरियाणा की तरफ। जी हाँ, वहाँ पर वो जाके उन्होंने POP का काम वगैरह करा, तो उनकी जो उनको पैसे वगैरह मिलते थे, उनकी जो इनकम थी थोड़ी सी मतलब इम्प्रूव हुई। तो जो सौरभ जोशी हैं उनकी जो मतलब स्टडी वगैरह स्कूलिंग की वो भी हुई थी हरियाणा में, वहीं से उन्होंने अपनी स्कूलिंग की पढ़ाई वगैरह भी की। सौरभ जोशी के एक भाई भी हैं जिनका नाम है साहिल जोशी। सौरभ जोशी जो हैं वो एक जॉइंट फैमिली में रहते हैं, और जॉइंट फैमिली में रहने के बावजूद भी वो इतना अच्छे से मतलब व्लॉगिंग वगैरह हर चीज़ ऐसे अपने व्लॉग में अच्छे से दिखाते हैं। और ये सब कैसे हो पाता है, कहीं ना कहीं वो एक जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो वो अपनी फैमिली के इम्पोर्टेंस और जॉइंट फैमिली में रहने के बावजूद कैसे फैमिली में हर एक पर्सन को कैसे इम्पोर्टेंस देनी है और एक फैमिली में कैसे रहा जाता है, एक बॉन्ड अच्छा बना के, वो सारी चीज़ें उनके व्लॉग में लोगों को देखने को मिलता है। तो कहीं ना कहीं एक फैमिली वाला व्लॉग वो हो जाता है, तो लोग इसी चीज़ से और सौरभ जोशी के व्लॉग से कनेक्टेड होते हैं। तो ये एक प्लस पॉइंट है सौरभ जोशी के व्लॉग का। सौरभ जोशी का जो एक कज़न भाई है पीयूष, वो भी आप देखते होंगे एक उनके व्लॉग में, और कई बार पीयूष जो है वो उनके साथ नज़र भी आता है उनके व्लॉग में। और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा तारीफ़ करने वाली है, कि देखिए वो उत्तराखंड से तो बाहर आ गए थे लेकिन उन्होंने अपने गांव को नहीं छोड़ा था। उन्हें आज भी क्या है कि अपने गांव में ही टाइम ज़्यादा से ज़्यादा बिताना पसंद है। और वो जब छुट्टियां वगैरह उनकी स्कूल की होती हैं तो वो क्या करते हैं कि वो उत्तराखंड चले जाते हैं, उनको उत्तराखंड में अपना टाइम ज़्यादा स्पेंड करना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। चीज़ मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊँ कि उनकी जब उनकी स्कूलिंग हो रही थी, उनकी स्कूलिंग के टाइम से ही उनका जो इंटरेस्ट था वो आर्ट वगैरह में बढ़ने लगा। तो उनका जो इंटरेस्ट आर्ट वगैरह में होने लगा तो उन्होंने क्या करा, धीरे धीरे उन्होंने पेंटिंग्स बनाना शुरू करा, स्केचिंग करना शुरू करा। और पेंटिंग और स्केचिंग में आपको क्या हुआ था, इस तरह से उन्होंने प्रोफेशनल तरीके से करना स्टार्ट करा कि वो क्या करते थे कि एक छोटी छोटी बारीकियाँ वगैरह और कैसे मतलब पेंटिंग वगैरह बना रहे, जो स्केच बना रहे उसको और कैसे किस तरह से सुंदर करा जाए, वो उस पर ज़्यादा ध्यान देने रहे। और ये सब करते करते डे बाय डे क्या हुआ कि उनकी जो पेंटिंग और स्केचिंग वगैरह थी एकदम प्रोफेशनल हो गया आर्टिस्ट। कहीं ना कहीं जब उन्होंने नई तरीके से अपनी कलरिंग वगैरह, स्केचिंग वगैरह और पेंटिंग वगैरह बनाना स्टार्ट करा, तो क्या हुआ कि धीरे धीरे वो नई तरीके और नई चीज़ आर्ट में इंक्लूड करते करते वो क्या हुआ कि उनका जो मतलब ये जो काम था ना पेंटिंग और स्केचिंग का, ये एक तरीके से आप कहिए कि व्लॉग में बदल गया। तो वही उनका जो टर्निंग पॉइंट था व्लॉग की तरफ, उन्होंने एक अपना नया व्लॉगिंग चैनल स्टार्ट कर लिया, जो कि आज आप सभी लोग जानते हैं सौरभ जोशी नाम से व्लॉग चैनल है उनका। तो देखिए छोटी सी उम्र में उन्होंने कहाँ स्केचिंग भी शुरू करा, उनका एक आर्ट का चैनल भी है जहाँ पे वो पेंटिंग्स वगैरह बनाते हैं। अपने इंटरव्यू में सौरभ जोशी ने एक बार बताया था कि उनके 2-3 चैनल थे लेकिन वो सब नहीं चले, लेकिन जैसे तैसे करके उन्होंने तीसरा चैनल बनाया और तब जाके उनका ये चैनल चला, उस पर लोगों का रिस्पॉन्स आना स्टार्ट हुआ
और तब जाके उन्होंने अपने काम को और इम्प्रूव करा और अच्छा करा। और इस पे मतलब एकदम उन्हें रहते हैं ना कि एकदम अपनी सारी जो शक्तियां हैं सारी पावर झोंक के इसने काम करा, तो उसका ही रिजल्ट देखिए आज वो टॉप के क्या इंडिया में नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में पूरी दुनिया में टॉप के ब्लॉगर हैं। सौरभ जोशी ने अपने इंटरव्यू में तो ये भी बताया है कि जब लॉकडाउन जब कोरोना काल था तो आप लोगों को तो जैसे कि पता ही होगा कि क्या क्या सिचुएशन थी, कैसे हाल थे, पूरी दुनिया में कोरोना फैला हुआ था और लोग अपने घरों में बंद थे, किसी से मिल नहीं सकते थे। तो उन्होंने कोरोना के टाइम पे लॉकडाउन के टाइम में उन्होंने 3 चैनल स्टार्ट करे, 3 चैनल उन्होंने अपने स्टार्ट करे, सोचिए लॉकडाउन के टाइम में। क्योंकि देखिए ये एक ऐसा बेस्ट टाइम था, ये ऐसा बेस्ट समय था जब कोई किसी से मिल नहीं पा रहा था, कोई कहीं जा नहीं पा रहा था, तो उन्होंने एक अच्छा एक कहते हैं ना कि तरीका और एक ऐसा रास्ता निकाला जहाँ से उन्होंने अच्छी अपनी एक रोज डेली ब्लॉगिंग डाल के एक अपनी ऑडियंस को जनरेट कर लिया। तो उनका उस टाइम पीरियड में पहले थोड़े सब्सक्राइबर बढ़े, 1,000 हुए, फिर 1,00,000 हुए, फिर ऐसे करते करते उनके मिलियंस में, आज सोचिए उनके चैनल पर जो है 3 मिलियन से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। तो सोचिए छोटी सी उम्र में उन्होंने 3 मिलियन से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स कमा लिए हैं और उनके पास कार्स वगैरह भी हैं, उन्होंने इतना अच्छा घर भी बना लिया है, सब कुछ ही उन्होंने देखिए व्लॉगिंग के दम पे कमाया है और वो भी इतनी छोटी सी उम्र में। आज सौरभ जोशी की देखिए इतनी छोटी उम्र है, सोचिए आप भी एक बार। और जो मैंने आपको ये स्टोरी बताई है वो सिर्फ इसलिए बताई है कि ये स्टोरी आप सुन के कुछ तो सोचिए और कुछ तो समझिए कि देखिए 21 साल की सिर्फ उम्र में एक ऐसा पर्सन, एक ऐसा लड़का जो कि देखिए उत्तराखंड में और एक छोटे से डिस्ट्रिक्ट के और एक गाँव में पैदा हुआ था, लेकिन उसने व्लॉगिंग वगैरह करके और व्लॉग्स वगैरह बना के और वो भी कंसिस्टेंट रह के उसने इतना अच्छा एक अपना नाम बनाया और एक अच्छी मतलब अपनी पहचान बनाई। तो गाइज अब सौरभ जोशी अगर अपना मतलब एक नाम बना सकते हैं इस तरह से, मतलब एक अपनी पहचान बना सकते हैं, तो गाइज आप भी कर सकते हैं और आप भी अपनी एक अच्छी पहचान बना सकते हैं। आप भी अपनी चीज़ों को, अपने व्लॉग्स को और अपनी एडिटिंग को और अपना जो कंटेंट है उस पर अच्छा काम करिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप सोचिए कि कंसिस्टेंट रहिए, क्योंकि सौरभ जोशी कहीं ना कहीं देखिए रोज़ उनका सुबह 8 बजे व्लॉग आ जाता है विदाउट ब्रेक, वो डेली व्लॉग डालते हैं। आप सुबह 8 बजे देखेंगे तो सौरभ जोशी का ब्लॉग आपको मिलेगा। तो डेली देखिए कहीं ना कहीं उन्होंने कंसिस्टेंट डेली रहे विदाउट ब्रेक, तो लोगों की भी क्या आदत बन चुकी है कि सुबह जब वो उठते हैं बेड से तो वो सौरभ जोशी का ब्लॉग देखते हैं। तो लोगों की जो डेली रूटीन होता है तो सौरभ जोशी का ब्लॉग देखना भी कहीं ना कहीं हर इंसान की लाइफ का ये पार्ट बन चुका है कि उन्हें डेली सौरभ जोशी के ब्लॉग्स देखने हैं। तो देखिए कितना उन्होंने अपनी लाइफ में संघर्ष वगैरह करा, किस तरह से उन्होंने अपनी ब्लॉगिंग वगैरह करी, किस तरह से वीडियोज़ एडिटिंग वगैरह करी, कितना लंबा काम करा, तब जाके आज वो इतना बड़ा नाम है। तो गाइस आज के ब्लॉग में मुझे यही शेयर करना था कि गाइस जब 21 साल का एक इंसान, एक लड़का कर सकता है तो गाइस आप भी कर सकते हैं। तो आप भी अपने अच्छा ब्लॉग बनाइए, आप भी अच्छी एडिटिंग डालिए, आप अच्छा कंटेंट लाइए और हर चीज़ आप अच्छे से करिए अपने चैनल पे, तो ज़रूर आप सक्सेस होंगे और ज़रूर आपको भी वो चीज़ें मिलेंगी जो आप अपनी लाइफ में चाहते हैं, जो सौरभ जोशी ने जैसे चाहिए तो वो चीज़ें उनको मिली क्योंकि उन्होंने बहुत हार्ड वर्क करा। तो बस इसी नोट के साथ मैं आज का ब्लॉग एंड करती हूँ। कैसा लगा ब्लॉग आपको, पसंद आया हो तो प्लीज़ आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करेगा और वीडियो अगर पसंद आती है तो वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करके जाएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।